मैं हूँ काजल राघवानी और हमारे साथ है संजय यादव जी। और इनके आज टेम्पो में मैं बैठी हूँ और जैसे कि मैं हमेशा टेम्पो में घूमती रहती हूँ, हमारे मुंबई में भी मैं बहुत टेम्पो में ट्रैवल करती हूँ। संजय जी, तो आपको कैसा लग रहा है, आप कहाँ से हैं? मैं बक्सर से हूँ, सब बढ़िया लग रहा है। बस्तर रहता है, अच्छा तो आज लगती है भोजपुरी। हम लोग सब कैसे लगते हैं आपको? बहुत बढ़िया लगता है। फिल्म कैसी लगती है हम सब? फिल्म भी सही लगता है। आप देखते हैं? आप लोग जाइए ना प्लीज, थोड़ी देर जाइए, साइड हो जाओ ना, रुक जा। तो मुझे एक बात बताइए, टेम्पो में बैठना बुरी बात है? नहीं जो सही बात है, अपने अपने को कैसे जाने के लिए चाहिए साधन, तो अपना अपना होता है। ये भी एक बात होती है, जैसे हमारे मुंबई में और हर जगह, मतलब हर जगह टेम्पो बहुत चलते हैं और कई यूपी बिहार वाले, मतलब बहुत अलग अलग जगह से लोग आते हैं, टेम्पो चलाते हैं और उनका घर चलता है उसी से। तो क्या टेम्पो में बैठना गलत बात है? अगर हम लोग टेम्पो में बैठे तो गलत बात है? नहीं जी, गलत बात नहीं, वो सोचने वाले की गलत सोचता गलत। आपके जैसे आपके सुपरस्टार जो है बिहार के केसारी जी यादव जी जो है, उन्होंने ऐसे बोला था कि मतलब हमारी मतलब लग्जरी गाड़ी है उनकी, डिफेंडर से उतर के टेम्पो में बैठे तो औकात हो जाए ऐसा। नहीं ये गलत कहे, वो अपना समय उनको याद करना चाहिए, जो पहले समय क्या था आज समय क्या है उसको याद रखना चाहिए। कहेंगे हम भी यादव वंश से, हम लोग एक ही चूड़ी कोई रहती ना, इसलिए दूसरे के गलत नहीं बोलना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि जो टेम्पो चलाता है उनका भी घर परिवार होता है, अगर हम लोग टेम्पो में नहीं बैठेंगे तो फिर वो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, वो उनका घर परिवार कैसे चलेगा, वो खाना कैसे खिलाएंगे अपने परिवार को? तो ये छोटी सोच हुई या उनकी ऊंची सोच हुई, बड़ी सोच हुई? नहीं वो तो गलत सोच है, बाकी छोटी सोच है, सोचने से तो छोटी सोच है। लेकिन हमारे यूपी बिहार वाले जो उनको सपोर्ट करते हैं इन चीजों को लेके, वो समझते क्यों नहीं है कि अगर कोई भी टेम्पो में बैठता है तो वो ये सोच के बैठता है कि हम हमसे वो 2 रुपए कमाएंगे और आगे जाके उनके घर परिवार को वो कुछ अन्न खिला पाएंगे, कुछ उनकी विशेष पूरी कर पाएंगे। सो यही बातें होती है टेम्पो में बैठने की, ऑटो में बैठने की। लग्जरीज गाड़ी तो बहुत लोगों के पास है लेकिन फिर भी वो लोग रिक्शा से ट्रैवल करते हैं मुंबई में, पुणे में, हर जगह। एंड मेरा फेवरेट है, मेरी मम्मी का भी फेवरेट है, हम जीवन भर टेम्पो में ट्रैवल करेंगे जब हमारी मर्जी चलेगी और हम लोग आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो टेम्पो चलाते हैं और उनका भी घर परिवार है, तो सबके पास डिफेंडर नहीं हो सकती है और सब रईस भी नहीं हो सकते हैं। तो ये जो लोग हैं बहुत मेहनत से पूरे दिन में, धूप में, गर्मी में, हर मौसम में बैठ के 4 पैसे कमाने के लिए वो लोग टेम्पो चलाते हैं, क्योंकि हर लोग केसारी लाल यादव को नहीं बन सकते हैं, तो ये इनकी मेहनत है और हम लोग चाहते हैं कि इनकी मेहनत को हम लोग सफल बनाएं। सो प्लीज आप लोग भी टेम्पो में ट्रैवल करें ताकि इन लोग का घर चल सके। कैसा लगा आपको? बढ़िया, थैंक यू मैम जी, थैंक यू सो मच। और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत तरक्की करो।